नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मेधावी किचन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पना कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और झटपट बन जाता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ये कैरी ली है और ये हमने पुदीना लिया है। इन कैरियों को हम छील के छोटे छोटे टुकड़े करके कुकर में बॉईल करेंगे और पुदीना हम मिक्स भी करेंगे, ग्राइंड भी करेंगे, प्लस हम अपनी आइस ट्रे में भी लगाएंगे। इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम शक्कर और काला नमक डालेंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए, ये हमने लिया है 250 ग्राम्स कैरी और इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम्स शुगर। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और अब हम इसको कुकर को 2 सीटी बजा लेंगे। देखिए, 2 सीटी बजा ली है हमने इसकी और अब इसको हमने खोल लिया है। देखिए, इसका पल्प छान लेंगे हम, क्योंकि इसके हमें आइस क्यूब्स बनाना है ताकि हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं पना बनाने के लिए। इसे अब हम छान लेंगे। ये कैरी का पल्प हमने छान लिया है और अब हम इसमें पुदीना, ये जो हमने तोड़ लिया है, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। कि ये हमने पुदीना चला लिया है और अब हम इसको अपने पने के उस पर ऐड कर देंगे। इसमें हमने पुदीना ऐड कर दिया है और अब हम इसे आइस ट्रे में जमा देंगे। देखिए, इस तरह से आप पुदीना रख सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, क्योंकि जब आइस जम जाती है इसकी तब ये बहुत सुंदर दिखते हैं। इस तरह से आप इनको रख दीजिए। देखिए, हमने वीडियो ऑन नहीं किया था जब हमने काला नमक मिलाया था, तो हमने काला नमक मिलाया है इसमें 1/2 छोटा चम्मच। देखिए, हमने इसे ट्रे में डाल दिया है, अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे फ्रीज होने के लिए। देखिए, हमारा ये पना क्यूब्स में फ्रीज हो चुका है और देखिए इस तरह से दिखाई देता है। इसे हम आराम से ऐसे उठा लें और इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, ग्लासेस जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने अलग अलग टाइप ऑफ ग्लासेस रखे हैं आपको दिखाने के लिए, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से पॉप आउट हो जाता है ये, देखिए इस तरह से डाल लीजिए आप। और अब आप इसमें आराम से पानी डालिए। देखिए, अगर आपको ज्यादा मीठा या खट्टा पसंद है तो हम इसमें और डाल सकते हैं क्यों। और इसको मैंने शॉट्स के लिए रखे हैं, अगर आपको अपने पना शॉट्स बनाना है तो आप इसमें एक एक डालिए इस तरह से और थोड़ा सा पानी डालिए। आप इसको पना बना लीजिए, हमने आपको प्रोसेस बताया है, और उसको आइस क्यूब्स बना के इसके फ्रीजर में रख लीजिए और जब भी कोई आता है तो आप 2 या 3 आइस क्यूब्स डालिए और उसमें पानी मिलाइए और आपका बना तैयार।